जल पृथ्वी पर रहने वाले सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। उपलब्ध जल को सही ढंग से इस्तेमाल कर और सही तकनीकों के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है, और ऐसी ही कुछ तकनीकों के साथ आगे आया है इंदौर जिला प्रशासन। सर्वप्रथम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत कनाड नदी पुनर्जीवन और जल संरक्षण कार्यक्रम की। स्टॉप डैम्स, कॉन्टूर ट्रेंच, बोल्डर चेक, इरिगेशन पॉन्ड्स जैसी करीब 1131 संरचनाओं का निर्माण किया गया। नतीजतन दतोदा से निकलकर नर्मदा में मिलने वाली कनाड नदी फिर से जीवित स्थिति में दिख रही है, जो कि आसपास के गांव वासियों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है। जिन क्षेत्रों में सिर्फ बारिश के मौसम में पानी देखा जाता था, अब वहां 12 महीने पानी रोकने हेतु लगभग 583 सूक्ष्म जल भंडारों का निर्माण बांधों, खेत एवं रिसाव तालाबों आदि के रूप में किया गया है। कनाड के साथ साथ चोरल और गंभीर नदी का पुनर्जीवन कार्यक्रम भी इंदौर जिला प्रशासन द्वारा उचित तकनीकों और रहवासियों के सहयोग से किया गया है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या ड्रिप सिंचाई, सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसके अंतर्गत पानी को पौधों की जड़ों तक सीधे पहुंचाया जाता है, और इसी पद्धति को नेशनल फूड मिशन एवं कृषि सिंचाई योजना के तहत अपनाकर 1006 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किया गया है। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि छत के पानी का एकत्रीकरण। इस प्रणाली में घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को जल एकत्रीकरण के लिए बनी टंकियों अथवा भूजल रिचार्ज संरचना से जोड़ दिया जाता है। ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों जैसे करीब 1100 सरकारी भवनों को जल वर्षा एकत्रीकरण की इस प्रणाली के अनुरूप बनाया गया है। साथ ही होलकर शासन के दौरान निर्मित 157 बावड़ियों में से 90 का सुधारीकरण कर अच्छी अवस्था में लाया गया है। साथ ही संपूर्ण इंदौर जिले में पिछले 5 सालों में 60 लाख पौधों का पौधारोपण किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी रही है। संबंधित डिपार्टमेंट के प्रयासों से जल स्रोतों के ऊपरी हिस्सों में पौधारोपण किया गया है, जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है और पानी की क्षमता को बढ़ाया गया है। सर्वप्रथम अफसरों द्वारा विस्तृत परियोजना तैयार की गई, फिर जमीनी स्तर पर कार्य किए गए। दूषित जल उपचार संयंत्र के माध्यम से दूषित जल की पुनरावृत्ति हो रही है और पुनः उपयोग में लाए जाने हेतु स्वच्छ किया जा रहा है। इस जल को पुनः बगीचों एवं खेती क्षेत्रों की सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। राला मंडल की पहाड़ी से निकलने वाली खान नदी के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत अवैध उल्लंघन और अतिक्रमण को हटाकर जलाशयों का चौड़ीकरण किया गया है। फलस्वरूप नदी के कैचमेंट एरिया में बने बिलावली, पिपलियापाला और सिरपुर जैसे तालाबों की जल एकत्रित क्षमता बढ़ गई है, और अब लंबे समय तक इनमें जल को संरक्षित किया जा सकता है। साथ ही जन सहयोग के करीब 465 तालाबों में से गाद निकालकर उनकी जल संरक्षण क्षमता बढ़ाई गई। इस मुहिम की सबसे खास बात यह रही कि 639.28 लाख की लागत से किया गया यह कार्य जन भागीदारी से हुआ। जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों को प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। उचित अनुसंधान और अन्वेषण के बाद जल संरक्षण क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई योजना, जल भंडारों के निर्माण से लेकर पौधारोपण कर इंदौर जिला प्रशासन को आम जन द्वारा सराहना प्राप्त हो रही है। जल संरक्षण जिम्मेदारी भी, कर्तव्य भी।